रिसेंटली निकल गया वो मिड पेपर रियलाइजेशन हुआ तो पैनिक तो हो ही गए होंगे फॉर टू मिनट्स यस टू मिनट्स हाउ यू आर एबल टू ओवरकम और लर्नर्स के लिए क्या शेयर करोगे यूपीएससी इज समटाइम्स नोन एज अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन सो वी हैव टू बी ऑलवेज बी ऑन आवर टोज एक तो अटेम्प्ट्स आपके मतलब ऑलमोस्ट ये फोर्थ अटेम्प्ट था राइट आपका तो हाउ डू यू मैनेज दैट अप्स एंड डाउन्स यस एक्चुअली आई मस्ट कन्फेस आई काइंड ऑफ अंडर एस्टिमेटेड सीसैट ओके एंड आई हैड अ फेथ दैट आई हैव गुड मैथमेटिकल स्किल्स गुड जीमैट स्किल्स सो निकल ही जाएगा और कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश वॉज नो बैरियर फॉर मी राइट मिड पेपर आई रियलाइज दैट आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर इट हेलो और आप सभी का स्वागत है ऑन द अनस्टॉपेबल्स टुडे वी हैव रैंक 128 ऑल इंडिया रैंक 128 डॉक्टर तेजस सरडा तेजस आपका स्वागत है और इस वीडियो की शुरुआत में शायद तक आपने देख ही लिया होगा कि तेजस का अनुभव क्या रहा है तेजस फर्स्ट व्हाट वाज़ द फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन सर आई कुड नॉट रियली प्रोसेस इट इट टुक टू डेज टू लेट इट सिंक इन And after that, I am like, I have achieved calm and peace, all happy and very, very grateful. Right. So initially, तो आपको तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया. थोड़ा बहुत हम background में जाएंगे. जैसे कि आपने बताया कि you started with your medical sciences and then medical science से आप civil services की तरफ क्यों आए थे? Journey shifted in my final year examination. Okay, MBBS ke final year. Yes, I decided that to make the change at scale, only two things can be done in India. Ek hai in politics and other is in civil services. Civil services. I thought only I can do only the second part. I'm not built for the first one. Right. And being doctor, I thought ki ye mera asset hai rather than a liability. Ki, right. In this preparation, sir. Right. तो दोस्तों तेजस ने जैसे बताया कि सिविल सर्विसेज से बहुत एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं तेजस थोड़ी बहुत जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे एक तो अटेम्प्ट्स आपके मतलब ऑलमोस्ट ये फोर्थ अटेम्प्ट था राइट आपका तो हाउ डू यू मैनेज दैट अप्स एंड डाउन्स क्योंकि इतना साल पाँच साल MBBS के निकाले अब जब दुनिया आपकी PG चल रही है आपके दोस्त लोग MD ऑलमोस्ट हो गए होंगे बाय दैट टाइम आपका अभी सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे थे और इस टाइम पे एकदम लो फीलिंग भी आ रही है फिर आपको लग रहा है कि मैं कट आउट हो गया हूँ आइसोलेशन में चला गया हूँ तो हाउ डू यू मैनेज दैट और थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए कि पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ दूसरे में तीसरे में शायद आपका पिछले साल रेलवेज में सिलेक्शन हो गया था बट देन यू आर नॉट काइंड ऑफ सेटिस्फाइड कि थोड़ा रैंक पीछे है तो ये कैसे परसिवरेंस कैसे निकाल के आए सर वन सिंपल आंसर वुड बी अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम टू पुल अस आउट ऑफ दैट सिंक होल ड्यूरिंग आवर लोज I had a good support system of my family, my mother, father and my younger brother. Going beyond that, jo educators hua karte the, they would also keep on motivating during the classes. I made a special mention of you as well during my mock interview at an academy that he has kind of inspired us in his field and I have always been grateful for that. Sir, dusra, during this journey, My first and second attempt, I could clear my prelims examination. So I was actually in my first attempt very sure ki, okay, I can crack this examination. But mains is a different ball game. So right. As and when I worked on my deficiencies, I could crack it. लेकिन दोस्तों इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Unacademy ने अपनी प्राइसेस बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी हैं। दोस्तों Unacademy का 15 मंथ UPSC CSE सब्सक्रिप्शन अब मात्र 29,999 रुपए में अवेलेबल है विच नॉट ओनली कवर्स प्रीलिम्स बट ऑल्सो हेल्प्स यू प्रिपेयर फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन इसमें आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस टू बैचेस कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटीरियल वन ऑन वन मेंटरशिप और प्री और मेन्स की टेस्ट सीरीज भी तो दोस्तों देर मत करिए बिकॉज दिस इज द लोएस्ट प्राइसिंग यू विल गेट फॉर सच अ प्रीमियम कोर्स इस कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है तो अभी जाइए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों Unacademy ऑर्गेनाइज कर रहा है इस बार का लास्ट मॉक टेस्ट UPSC प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 2024 ऑन 2 जून 2024 दोस्तों इस टेस्ट के लिए आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं एंड ये मॉक टेस्ट UPSC प्रीलिम्स के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है जिसमें आपको मिलेगा मौका देश के सबसे बड़े पूल के साथ पार्टिसिपेट करने का दोस्तों GS टेस्ट होगा 9:30 AM से 11:30 AM एंड CSAT का टेस्ट होगा 2:30 PM टू 4:30 PM ऑन June 2nd और दोस्तों इस टेस्ट के टॉप 500 पार्टिसिपेंट्स को मिलेगी UPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस फॉर फ्री एंड टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा Unacademy UPSC सब्सक्रिप्शन फॉर 1 month फॉर फ्री राइट तो ये फर्स्ट दो अटेम्प्ट जो हुए उसमें आपने कहा कि यू आर एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स बट मींस
So the preparation strategy, you had a very different preparation strategy in the first two attempts. Yes, sir. I did not write many exams. I did not write many question answers. Okay, practice. Yes, I rather focused much more on building my content and making notes. Okay. And even that was not very in sync with what is the demand of the examination or the syllabus. तो क्योंकि एक तो मेडिकल साइंस की पढ़ाई ऑलरेडी इतनी लेंदी होती है देन यू सडनली जंप टू सिविल सर्विसेज जहाँ आपने एनाटॉमी पढ़ी है या ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री और ये वो पूरा बॉडी रिलेटेड आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है मेडिकल साइंस रिलेटेड फार्माकोपिया हो गया या फार्मेसी रिलेटेड ड्रग्स के रिलेटेड वहाँ से आप शिफ्ट होके आ रहे हो टू द ह्यूमैनिटी साइड और फिर वो कैसे मतलब वो टिल्ट मैनेज हो पाया सर हो पाया बिकॉज नंबर वन आई एम ऑलवेज अ क्यूरियस लर्नर ओके मुझे चीज़ें पढ़ने में समझने में पहले से बहुत मज़ा आता है राइट यूपीएससी में तो इट इज़ डन एट अ वेरी वाइड स्केल हम कुछ छोड़ते ही नहीं है राइट और अगर एजुकेटर भी अच्छे मिल जाए सो आई ऑलवेज हैड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री राइट लर्निंग इट फ्रॉम यू वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग कि दैट इंटरेस्ट एक्चुअली ब्लॉसम्ड इवन फर्दर सो ऐसे कुछ जो अच्छे अच्छे एजुकेटर्स मिलते गए उनके साथ बात करके उनके साथ इंटरेक्ट करके कुछ कुछ डिफिशियंसी ध्यान में आती गई तो देन आई केप्ट ऑन इम्प्रूविंग एंड That is how. उसके बाद आपने ये ट्राई किया अच्छा आपका ऑप्शनल तो शायद आपने मेडिकल साइंस ही किया था तो दैट गिव यू दैट लिटिल बिट ऑफ बेसिक या जो जो प्लेटफॉर्म है वो तो आपको मिल ही गया यस सर पाँच साल की डिड नॉट हैव टू लर्न न्यू सब्जेक्ट फॉर माय ऑप्शनल सब्जेक्ट राइट तो मतलब बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेरी होती है कि मैं जो बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा हूँ क्या वो ऑप्शनल चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए yes. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसमें सर आई विल से इट इज़ अ वेरी पर्सनलाइज्ड और वेरी इंडिविजुअल सब्जेक्टिव थिंग मैंने जब मैं पढ़ाई कर रहा था आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट इन माई कॉलेज लाइफ यूज टू गेट गुड नंबर्स गुड परसेंटेज तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि छोड़ के और कुछ लेना भी चाहिए यू पी एस सी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी द चॉइस सो आई नेचुरली वेंट फॉर इट नाउ द इन द रिट्रोस्पेक्ट आई रियलाइज ओके आई कुड हैव मेड अ डिफरेंट चॉइस कुछ नेगेटिव्स है मेडिकल साइंस के इट्स वेरी बल्की इट डज नॉट हैव एटलीस्ट इट डिड नॉट हैव एट दैट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर वेरी गुड कोचिंग एंड इको मटेरियल्स एंड ऑल यस now the things have changed obviously but yes I am more or less happy UPSC has rewarded me both in my optional and my GS so you cannot complain there right definitely to dosto tejas ne jaise bataya ki teen attempt unke hue aur ecosystem ke bare mein optional ke bare mein tejas ne share ki hame tejas being a medical science background professional aapne biology to kafi sari padhi hogi CSET ek bahut आजकल नोटोरियस सब्जेक्ट के रूप में निकल के आ गया और काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो जनरल स्टडीज में बहुत अच्छा कर रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू क्लियर द सीसेट यस हाउ डू यू मैनेज दैट सीसेट के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी यस एक्चुअली आई मस्ट कन्फेस आई काइंड ऑफ अंडर एस्टिमेटेड सीसेट ओके एंड आई हैड अ फेथ दैट आई हैव गुड मैथमेटिकल स्किल्स गुड जी मैट स्किल्स तो निकल ही जाएगा और कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश वॉज नो बैरियर फॉर मी राइट मिड पेपर आई रियलाइज दैट आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर इट इफ आई मिड पेपर आपको ये सब रियलाइज यस सर 2023 पेपर वाज स्पेशली टफ हां ये तो बहुत टफ था इस बार सो मिड पेपर आई रियलाइज कि दिस इज वेरी टफ पेपर मुझे नहीं हो रहा है मतलब मैक्सिमम पीपल एक्सेप्ट मे बी कोई मैथ्स ऑप्शनल वाला होगा विल नॉट बी एबल टू डू इट ओके सो आई मिड पेपर आई मेड अ शिफ्ट लेट अस गो टू कॉम्प्रिहेंशन वही बचा सकता है ओके एंड आई थिंक देयर आर 27 क्वेश्चन 21 22 23 उतना हो ही जाता है सही अगर ढंग से करो तो एंड अगर 10 या 12 क्वेश्चन उसमें मैथ्स के जोड़ लो विच यू कैन डू उतने तो इजी आ ही जाते हैं ऑफ 53 द रेस्ट क्वेश्चन यू कैन सेल थ्रू सो आई गॉट लाइक 97 98 डिसेंटली निकल गया कट ऑफ डिसेंटली निकल गया वो मिड पेपर रियलाइजेशन हुआ तो पैनिक तो हो ही गए होंगे फॉर 2 मिनट्स यस 2 मिनट्स हाउ यू आर एबल टू ओवरकम और लर्नर्स के लिए क्या शेयर करोगे मतलब अगर ऐसी सिचुएशन आए आती हर लर्नर को आती है यस सर इनफैक्ट दिस ईयर इन जीएस आल्सो दे मेड काइंड ऑफ कर्व बॉल वेरी ट्विस्टी क्वेश्चन ट्विस्टेड उन्होंने पैटर्न ही चेंज कर लिया ओनली वन ओनली टू ये टाइप के ऑप्शन डाल के तो आई थिंक यूपीएससी समटाइम्स ऑन एन अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन सो वी हैव टू बी ऑलवेज बी ऑन आर टोज राइट कुछ भी हो सकता है एट एवरी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन नॉट जस्ट प्रीलिम्स इंटरव्यू एंड मेंस एज वेल तो उस हिसाब से सर आई एक्चुअली काइंड ऑफ लाफ्ड इन द एग्जाम हॉल कि ये क्या कर दिया है इन्होंने अभी तो मस्त सभी के पसीने छूटे होंगे लेट अस ट्राई टू डू आवर बेस्ट दो मिनट तो डर गया था मैं भी बट ठीक है अब जो सामने आ चुका है वी कैनॉट चेंज द रूल्स ऑफ द एग्जाम राइट राइट तो मतलब यू आर एबल टू मैनेज इट आउट अल्टीमेटली कामनेस और कंपोजर थोड़ा बहुत आपने मेंटेन करके ये किया दोस्तों तो तेजस के एक्सपीरियंसेस बहुत इंटरेस्टिंग रहे हैं क्योंकि चार साल की जर्नी यूपीएससी के अंदर तीन अटैम्प्ट में सिलेक्शन होना तीसरे में होना पर पीछे रैंक आना अगेन फिर से इम्प्रूव करना और तैयारी करना जाते जाते तेजस से एक लास्ट कंक्लूडिंग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे
और वो है कि हार्डली 50 डेज है बीन लेफ्ट फॉर द 2024 प्रीलिम्स। आप पार्टिंग टिप क्या देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को जो इस बार अपीयर कर रहे हैं, अभी 50 डेज में क्या मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग डाउन ही फील कर रहे हैं अभी से। यस सर, स्पेशली आफ्टर लास्ट ईयर पीपल फील लाइक इट हैज़ बिकम नॉट एन एग्जाम ऑफ हार्ड वर्क रादर एन एग्जाम ऑफ लक, विच इज़ आई विल से नॉट ट्रू। इवन विद दिस पेपर आई स्कोर्ड मोर देन 105 yes, so right. I could say sir with great amount of certainty that with a very good understanding and grasp on our basic 5-6 subjects जहाँ से 70-80 क्वेश्चन बनते हैं, core areas एंड कीप ऑन अपडेटिंग इट विद सम काइंड ऑफ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर रीडिंग, इट इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल कि आपका जो कट ऑफ हो रहा है वो ना निकले इवन इन जनरल कैटेगरी। सो इफ आई वे टू गिव एन एग्जांपल सर, इन दिस ईयर हिस्ट्री के 13 क्वेश्चन आए थे जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया, 13+3 टोटल 15-16। यस सर, तो आई डिड एटलीस्ट 8-9 करेक्ट एंड रेस्ट आई लेफ्ट, सो आई स्किप कर दिया ना। यस, तो ईगो पे नहीं लिया, बिल्कुल नहीं, राइट। So I had a success rate of 100% in history. Right. And जो भी नहीं आया था तो वो छोड़ दिया था। Right. So this kind of accuracy if you can manage or this kind of your own personalized strategy if you can manage. Like I did not attempt more than 80 questions sir. 77-78 कुछ किया। मतलब बहुत बार बच्चे ऐसा हो जाता है कि maximum attempt करेंगे तो maximum marks मिलेंगे। Yes. ऐसे paper के लिए भी। Yes sir. We will have to do that judgment वहाँ पे 2 घंटे में बैठ के कि मेरे हिसाब से इस पेपर के डिफिकल्ट के लिए ये इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ठीक है, right. बट इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल वो अटेम्प्ट 60-65 पे भी आ जाए, राइट right. वो ट्रायल एंड एरर करके अपना एक जजमेंट डेवलप करना पड़ेगा सर, वो ऑन द स्पॉट ही वो हो पाएगा, ऑन द स्पॉट उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा सर, बट आई थिंक वो डेवलप होगा अपनी मॉक एग्जामिनेशन, मॉक एग्जाम से। तो ये 50 डेज में मॉक के ऊपर फोकस। यस सर, रिविजन एंड मॉक्स, रिविजन एंड मॉक्स। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ डॉक्टर तेजस सारडा, और तेजस ने बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स आपको शेयर की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो तेजस के द्वारा जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया गया है उससे काफ़ी लाभ हो, और हम तेजस को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष किया इस चीज़ के लिए जहाँ अभी वो इस मुकाम के ऊपर पहुँचे हैं, और हमारी तरफ से तेजस को बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।